गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई हैव केम टू नो दैट यू हैव नॉट डन क्वेश्चन 6 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 इन योर नोटबुक। तो आज हम सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे बिकॉज योर वीकली टेस्ट ऑफ मैथ्स विल बी हेल्ड ऑन मंडे। ओके बेटा, सो 6th क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर इज 889। इफ वन ऑफ देम इज 369 फाइंड द अदर नंबर। मीन्स बेटा आपको दो नंबर बताए गए हैं, दो नंबर का जोड़, सम का मतलब होता है जोड़, कि जो टू नंबर्स हैं उनका जो टोटल नंबर है वो है 889। तो उसमें आपको एक नंबर बताया गया है कि वो 359 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, अदर नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज 30। अदर नंबर इज, सेकेंड नंबर इज 530। ओके बेटा, 7th क्वेश्चन इज देयर आर 550 स्टूडेंट्स इन ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 3rd इन अ स्कूल। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 268 फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें ये कहा गया बेटा कि एक स्कूल में 3rd क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो 550 हैं और उसमें बॉयज का जो नंबर है वो 268 है, तो आपको गर्ल्स का नंबर बताना है कि उस स्कूल में 3rd क्लास में कितनी गर्ल्स पढ़ती हैं। सेम क्वेश्चन है 6th की तरह कि आपको टोटल स्टूडेंट्स बताए गए हैं, उसमें बॉयज का नंबर बताया गया है कि कितना है और गर्ल्स का फाइंड आउट करना है, तो ये सम भी आपका सब्ट्रैक्शन का रहेगा। तो देखिए कैसे करना है, सम टोटल स्टूडेंट्स इन 3rd क्लास 550, बॉयज हैं 268। गर्ल्स कैसे पता लगेगा, जब हम इनको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से 8 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कह देंगे तो बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर 5 4 रह गया था, 4 में से 6 नहीं जा सकता क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 6, तो यहाँ से हम 8 बोरो करेंगे, यहाँ 14 बन जाएगा, 14 में से 6 गया 8, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो गर्ल्स का नंबर जो हमारे पास आया है वो कितना है, 282, यानी टोटल स्टूडेंट थे 550, उसमें से बॉयज है 260 है और गर्ल्स कितनी है 282। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 5, 7। ईच डिजिट शुड बी यूज वंस ओनली। इसमें यह कहा गया है बेटा कि यहाँ पर एक डिजिट दिया गया है 2, 5, 7, तो उसका आपने एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर उनका डिफरेंस करना है, मीन्स उनको माइनस करना है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो एक डिजिट एक बार ही यूज करना है हमने, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो डिफरेंस, क्वेश्चन से पता चलता है कि डिफरेंस का मतलब हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 752, स्मॉलेस्ट नंबर इज 257। तो इसका हमने डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आया है, 7, we can't subtract it, so we can go from 10 number, तो हमने यहाँ से 4 लेके 1 में 12 बन जाएगा, 12 में से 7 किया 5, यहाँ 4 रह गया था,
संख्या 4। ठीक है बेटा। 10th क्वेश्चन इज देयर आर 998 बैग्स ऑफ व्हीट इन अ गोडाउन। इफ 679 बैग्स आर सोल्ड, हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट इन द गोडाउन। इसमें भी हमें एक हिंट दिया है लेफ्ट। तो स्टूडेंट जहां पर लेफ्ट क्वेश्चन में दिया हो तो आपको वो सब्ट्रैक्ट करना है बिना सोचे समझे। ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया कि एक गोडाउन में मीन एक गोडाउन में वीट के 998 बैग है ना। काउंट करके ये और उसमें से कितने बिक गए, सोल्ड हो गए, कितने बच गए, लेफ्ट कितने हो गए, दो माइनस में। तो पहले हमें लिखना है टोटल बैग ऑफ वीट 998 सोल्ड कितने बिक गए, 679। लेफ्ट कितने हुए, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी नो दैट 8 इज स्मॉलर देन 9 ना, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट 8। तो हम यहाँ से 1 कह देंगे तो बन गया 18। 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3। तो ये थे आपके सम्स बेटा 6 to 10। नाउ यू हैव टू नोट डाउन योर फेयर नोटबुक। ओके बेटा, थैंक यू।